विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्लेम राशि को लेकर जमकर हंगामा हुआ। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने प्रश्नकाल में क्लेम की राशि को लेकर सवाल उठाया। हालांकि कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की ओर से आंकड़ों के साथ जवाब पेश किया गया, लेकिन विपक्ष ने हंगामा करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। दरअसल विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान राजेंद्र राठौर की ओर से पूछे गए सवाल पर कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि 30 दिसंबर 2019 तक 37 लाख से अधिक किसानों का डेटा अपलोड कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि खरीफ 2018 में 186 करोड़ रुपए का प्रीमियम बाकी है, जिसका भुगतान करवाया जा रहा है। और साथ ही राठौर ने कहा कि क्या सरकार किसान कल्याण कोष से इसका भुगतान करेगी। इस पर कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि 2,168.77 करोड़ रुपए का प्रीमियम लंबित है और इसको लेकर सदन में हंगामा हो गया। विपक्ष ने वॉकआउट यहां पर कर दिया।